उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते मुंह बंद नहीं होना चाहिए, नाम को रटते रहो। एक तो बोलते हमारे प्राणेश्वरी, हमारे प्राण, हमारी हृदय है श्रीमती राधा रानी, राधा रानी के शरणापन्न हो जाओ, एक नंबर। काय मन वचन से शरणागत किसको कहते हैं? ना आपने अहंकार को नष्ट करना है, उनको कर्ता बनाओ, बस जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वो करा रहे हैं, उन जो हो रही है उनकी इच्छा, जो होगी उनकी इच्छा, जो हो गया उनकी इच्छा जान करके शांत होकर दृष्टा बन के देखते रहो और उनके तरफ निहारते रहो, ये है शरणागति। अपना कुछ कर्तृत्व नहीं है, तो कर्तृत्व नहीं है कर्म कैसे करेंगे? मना कर्म तो होगा लेकिन उसका कर्तृत्व पर रहित, वो करा रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे भीतर उनकी इच्छा शक्ति जागृति करके हमारे द्वारा कर्म करा रहे हैं। वो कर्म क्यों करा रहे हैं? ना उनकी इच्छा, उनकी प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म करा रहे हैं। ऐसे भावना लेकर उनकी इच्छा के ऊपर अपने कर्तृत्व पर छोड़ देना, अपनी इच्छा को भी समाप्त करना है, स्वतंत्र इच्छा, ये करना है वो करना है वो करना है, तो क्या करें ना, जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, हमें कर्म सोच रहे ये कर्म करना है हमको, इच्छा तो जागृति होती है, हम समझ रहे हैं ये भगवत इच्छा, हम तो समर्पित हैं, चलो भगवत तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, वो कर्म हुआ नहीं तो हम शांत रहेंगे, उसके लिए हमारी विक्षेप नहीं, जे ये कर्म हुआ नहीं, हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ भाई, कैसे करेंगे आप, हाय हाय आप कहाँ जाओ क्या, ना उनकी इच्छा, चलो शांत हो जाओ, हो गया तो उसमें अपने अहंकार घमंड नहीं, हमने ये किया वो किया, नहीं तुम्हारी इच्छा तुमने पूर्ण किया है जान करके निराभिमान हो करके उनके तरफ देखते रहो, उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन के, हमारे कर्म चेष्टा के एकमात्र उद्देश्य है, यह शरणागति। ऐसे भाव लेकर राधा रानी के शरणागत हो जाओ, एक नंबर है। दो नंबर है जुगल महामंत्र, जुगल नाम हर समय रटो, इसमें कोई कष्ट नहीं, उठीते बसीते खाईते सुईते जता तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। बोलता है तुम्हारा उतना मन लगाने का, ध्यान धारणा करना, नाना रकम वैराग साधन चेष्टा तपस्या, ये कलयुग में बहुत कठिन बात है, तो ये कैसे करेंगे? बोलते कोई जरूरत नहीं है, तुम उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे नाम को रटते रहो, अच्छा लगे या ना लगे उसका तरफ ध्यान मत दो, हाँ लग गया तो अच्छा है, हम कोशिश कर रहे हैं उठते बैठते उनके चिंतन के साथ उनके नाम करता रहूं अखंड रूप से, लेकिन नाम ऐसे हमारे चिंतन होता नहीं, कोई बात नहीं छोड़ दो, नाम को छोड़ना नहीं, उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते मुंह बंद नहीं होना चाहिए, नाम को रखते रहो, देश काल नियम नहीं है, शुद्धा शुद्धि विचार नहीं है, सर्व सिद्धि मिल जाएगी तुम्हारे लिए, जुगल नाम, ये दो नंबर। तीन नंबर बातें हैं ब्रजवास, वृंदावन प्रत्यज पाद में कल न गच्छति, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण प्रकाश, प्रेममय जो प्रकाश है भगवान के, वो पूर्ण प्रकाश एकमात्र वृंदावन में है, और भगवान कहते हैं वृंदावन छोड़ के पलक के लिए भी मैं कहीं जाता नहीं हूं, और जितना जाते हैं वो भगवान का ही वैभव मूर्ति, स्वयं भगवान जो प्रेममय स्वरूप है वो वृंदावन में नित्य विराजमान, साधक यहाँ रह करके भजन करने से उनकी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। बोलते हैं हमारे राधा रानी के चरण में जो शरण लेते हैं, जो राधा नाम रटते हैं, बोलता है बिना साधना मैं उसके वश में हो जाता हूँ, मेरे साधना किए बिना मैं उसके वश में हो जाता हूँ, जो राधा रानी के चरण में शरण लेते हैं, मुख में हरि नाम रटते हैं और ब्रज भूमि में वास करते हैं, ये तीन साधना बातें हैं। बोलते ये सर्वोपरि साधना, इसके ऊपर और कोई साधना है नहीं, इसका श्रेष्ठता प्रतिपादन किए नहीं है,
ये सर्वश्रेष्ठ साधना बाता है, सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे सरस साधना, ऐसे श्रीमद् पद्म पुराण में ऐसे निरूपण किए हैं। नाम जो लेंगे वो गुरु मुखाश्रित नाम लेंगे? हाँ, गुरु मुख से सुन करके, गुरु मुख से गुरु उपदेश करेंगे। गुरु करण आचार्य मंग भी जानिया, आचार्य मेरे को ही जानना, आचार्य रूप में मैं ही कृपा करता हूँ। ये तो गुरु करण, तो ये तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, गुरु करण करना जरूरी है। गुरु करण इसका कोई दोहरा है नहीं, स्वतंत्र रूप से स्वयं बिना गुरु करण किए बिना कोई भगवत प्राप्ति करना सहज नहीं है। रामायण में एक श्लोक है, गुरु बिन भव नित्य न कोई, जो ब्रह्मा विष्णु संग सम होई है, तो गुरु बिना ही तो सम। गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गरिणा तत्व दर्शिना। फिर गुरु उपदेश करते हैं, तत्व दृष्टा जी, तत्व दृष्टा गुरु तुमको वो उपदेश करेंगे। लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं पहुंचे हैं तब तक नाम, हाँ तब तक नाम करने से नाम फल प्रदान करने में समर्थ हो। सप्रिय नाम कीर्ता एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जतानुराग दूत चित्त उच्च हसती अथ रोदती रोती गायती उन्मद बद्रित लोक बज्जा। श्रीमद भागवत कहते सप्रिय नाम कीर्ता, तुम्हारा गुरुकरण हुआ नहीं लेकिन जिस नाम में तुम्हारा रुचि है वो नाम को तुम कीर्तन करो। दीक्षा पुरुषर्जा विधि अपेक्षा न करे जिब्बा स्पर्श अचंडाल सवारे उद्धारे। दीक्षा पुरुषर्जा विधि का अपेक्षा नहीं है, नाम में कलिजुग में इतना शक्ति प्रदान किए हैं, जो दीक्षा गुरुकरण किए नहीं है, गुरु सान्निध्य प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त कर नहीं पाए हैं, ऐसे जो साधक है वो क्या करेंगे। बोलते हैं जो सप्रिय नाम कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करते रहो, नाम तुमको पहुंचा देंगे, तुम्हारे गुरु के पास पहुंचा देंगे, नाम ही तुमको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। नाम में इतना शक्ति, कलिजुग में ये नाम में इतना शक्ति दिया गया है। ऐसे नाम साधन कर करके फिर साधक समस्त सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है। तो तीन उपासना प्रधान बताए हैं, जितना उपासना पद्धति है सनातन धर्म में भगवत प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए जितना साधन बताए हैं, तीन सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, इसके परि और कोई साधना है नहीं। राधा रानी की शरणागति, जुगल नाम, ब्रजोवास। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा किंतु है, किंतु है क्या, निरपराध, अपराध नहीं होना चाहिए, नाम अपराध से बचे रहना चाहिए, धाम अपराध से बचे रहना चाहिए। तो जल्दी नाम के फल जो प्रेम है वो बहुत जल्दी प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं भगवत कृपा से। जय राधा।